चैलेंज हो गया था जैसे तो प्रशांत जी से इंटरेक्शन हुआ था इनसे इतनी मॉडल थी और उनके क्या करना चाहिए बोले जितना हो बस रोकिए और जो मॉडल थे उधर उसके लिए पहली बार आज हम अशोक श्रुति मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं अपने भाई अशोक भाभी श्रुति बेबी प्रियंका जो मेरी भतीजी थी उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि को हम हर साल ही मनाते हैं अशोक श्रुति मेमोरियल हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप कर। इस बार ये विशेष इसलिए है कि हम इस हॉस्पिटल को जो पहले ये ओबी गायनी हॉस्पिटल था अब इसको हमने जनरल हॉस्पिटल कर दिया है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी राइट फ्रॉम मेडिसिन टू सर्जरी टू ऑप्थेल्मिक्स टू डेंटल टू ओबी गायनी डिलीवरीज ऑपरेशन जिससे कि आम आदमी सभी आदमी इसका लाभ उठा सके। तो आज इस कैंप से उसकी शुरुआत करेंगे और फिर आगे इस मुहिम को ले जाएंगे। ये बिल्कुल धर्मार्थ है बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं बट फैसिलिटीज़ बिल्कुल मॉडर्न है फुली एयर कंडीशनड हॉस्पिटल विथ लेटेस्ट फैसिलिटीज़ है पूरा इक्विप्ड थिएटर है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी बीमारियाँ फैली हैं और बेचारे लोग बहुत परेशान हैं पैसा भी उनका बहुत खर्च हो रहा है। तो इसलिए ये विकल्प मैंने लिया पहले खाली ये ओबी और गायनी हॉस्पिटल था अप्रैल से पहले कोविड में बंद हो गया था पर जब अप्रैल में मैंने देखा ये महामारी आई और बहुत लोगों को बेड्स तक नहीं मिले मेरे पास बहुत फ़ोन आए कि बेड्स दो पर बड़ी मैं असहाय डॉक्टर होने के नाते भी मेरे को बड़ी असहाय फीलिंग हुई कि मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाई। तो उन्हीं 2-3 महीने में मैंने इस हॉस्पिटल को कहा कि इसको जनरल हॉस्पिटल बनाकर सबको फैसिलिटीज़ दे सकें जैसे कि आम तबका भी बेस्ट फैसिलिटीज़ उठा सके। डॉक्टर अंजना मंजल आज कैंप लगाया है अपने भाई और भाभी की स्मृति में ये उनका अभी का प्रयास नहीं है पहले भी इस तरह के कैंप लगाते रहे हैं। अच्छी बात है कि अपने हॉस्पिटल का उन्होंने फिर से रिनोवेशन किया उसके साथ ही सुविधाएं बढ़ाई अपने सारे क्रिटिकल केयर